आज हम लोग जानेंगे माउस के बारे में। देखते हैं माउस क्या होते हैं। माउस के बारे में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि माउस इज हैंड ऑपरेटेड पॉइंटिंग एंड इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। हमने यहाँ तीन वर्ड यूज किया, एक हैंड ऑपरेटेड, एक इनपुट और एक हमने और यूज किया पॉइंटिंग। इसमें कहीं मेंशन नहीं है, चलिए हम लिख देते हैं पॉइंटिंग। हैंड ऑपरेटेड मतलब हाथ से चलाया जाने वाला, इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब ऐसा डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके हम अपने सिस्टम में किसी भी ग्राफिकल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, वो डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस, जिसको कनेक्ट करने पर हमारे सिस्टम पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पॉइंटर जरूर आता है। और टोटल अगर हम पॉइंटिंग डिवाइसेस की बात करें तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में एक डिवाइस हमारा नाम आता है माउस का, एक हमारा नाम आता है लाइट पेन का और एक नाम आता है जॉयस्टिक का। ये तीनों के तीनों पॉइंटिंग डिवाइसेस है जिसमें हम माउस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि माउस क्या होता है। तो माउस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि हमेशा जीयूआई प्रकार के सॉफ्टवेयर में काम करता है। जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप के सॉफ्टवेयर में हम इसे यूज करते हैं। जीयूआई टाइप का सॉफ्टवेयर मीन्स क्या होता है, चलिए इसको समझाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि सपोज करिए एक रेलवे क्रॉसिंग है, एक सड़क जाती है और उस सड़क के बीचों बीच एक रेलवे क्रॉसिंग है। जस्ट उस क्रॉसिंग के पहले एक बोर्ड लगा हुआ होता है और बोर्ड में लिखा हुआ होता है आगे रेलवे लाइन है। और कहीं कहीं क्या होता है कि बोर्ड लगा हुआ जरूर होता है लेकिन बोर्ड में लिखा हुआ होता है, एक्चुअली कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, एक साइन होता है। बस इस तरीके से एक बोर्ड है और बोर्ड पे एक साइन है, मतलब एक रेलवे ट्रैक का। आपके लिए बेहतर क्या है, क्या ये लिखा हुआ कि आगे रेलवे लाइन है सावधानी से चलें, या फिर दूसरा कि इस तरीके का साइन बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि हमारे लिए टेक्स्ट वाला मेथड ही बेहतर है, टेक्स्ट वाला मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मेथड, जो आपको किसी भी चीज़ को समझाने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो शायद बेहतर नहीं होगा। क्योंकि सपोज करिए अगर आपकी गाड़ी 100 150 या 200 के रफ्तार में है, खैर हम एक इलीगल स्पीड की बात कर रहे हैं, चलिए 80 100 की रफ्तार में अगर आपकी गाड़ी है, तो क्या आप वो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसको आप पढ़ पाएंगे उस रफ्तार में, तो नहीं। लेकिन अगर इस तरीके का बोर्ड बना हुआ है तो हम उस रफ्तार में भी उसे पढ़ सकते हैं। इट मीन्स कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्राफिकल जो मेथड होगा वो हमारे काम को फास्ट करने में हमारी मदद करते हैं, इजी होता है और कोई अनपढ़ भी बहुत आसानी से समझ सकता है। तो माउस एक वैसा डिवाइस है जो हमेशा ग्राफिकल मेथड में काम करता है। यहां अनपढ़ वाली बात लागू नहीं होती है, लेकिन ग्राफिकल मेथड में काम करता है का अर्थ हो गया कि हम यहाँ इस मेथड के इस टाइप के इंटरफेस में जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वहाँ हर काम के लिए एक बटन है, एक आइकन है, एक मेनू है, एक ऑप्शन है, इस तरीके से जहाँ हम इजीली उस बटन पे क्लिक करके काम को पूरा कर सकते हैं। अगर हम देखें कि कैरेक्टर इंटरफेस टाइप के सॉफ्टवेयर, तो अगर आप लोगों ने डॉस का नाम सुना होगा तो जरा सोच करके देखिए कि डॉस में काम कैसे हुआ करता था। तो डॉस में किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए हमें एक कमांड टाइप करने की आवश्यकता होती थी और वो कमांड हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करते थे, तब जा करके हमारा वो काम होता था। लेकिन अगर विंडोज में हम देखें कि हमें काम कैसे करते हैं, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो हम सीधे कहते हैं कि हम माउस का इस्तेमाल करके स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं और किसी प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। एक मेथड जिसमें हम टाइप करने का काम करते हैं और तब जा करके हम कुछ ओपन करते हैं या कोई भी काम
कंप्लीट करते हैं, और एक दूसरा मेथड जिसमें हम टाइप नहीं करते हैं बल्कि पहले से ही लिखा हुआ कुछ बटन, कुछ आइकन, कुछ मेनू है, हम वहाँ क्लिक करते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो माउस एक वैसा टाइप का डिवाइस है जो हमेशा जीयूआई टाइप के सॉफ्टवेयर में काम करता है। इस टाइप के सॉफ्टवेयर में हम अपने सारे इंस्ट्रक्शंस को एक बटन, एक आइकन के फॉर्मेट में पाते हैं और उन्हीं पे क्लिक करके हम अपने काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने माउस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, हमारे कंप्यूटर पे एक तीर का निशान, चलिए यहाँ देखिएगा, हम ये जो मूव कर रहे हैं, ये तीर का निशान, एन एरो सिंबल अपीयर ऑन स्क्रीन, और ये तीर का निशान दिखाई देता है और हम बात कर रहे हैं इस तीर के निशान की, ये जो आप यहाँ पे पा रहे हैं, ये तीर का निशान इस सर्कल के अंदर हमने रखा है, जिसे हम माउस पॉइंटर के नाम से जानते हैं, माउस पॉइंटर। एंड व्हेन वी ड्रैग द माउस इन फ्लैट सरफेस एरिया, द माउस पॉइंटर आल्सो मूव ऑन स्क्रीन अकॉर्डिंग टू माउस मूवमेंट। हम जब माउस को लेफ्ट की ओर ड्रैग करते हैं तो हमारा पॉइंटर भी लेफ्ट की ओर जाता है, हम माउस को जब राइट की ओर ड्रैग कर रहे हैं तो हमारा पॉइंटर भी राइट की ओर मूव कर रहा है। तो माउस में मौजूद बटन्स की सहायता से, माउस में एक्चुअली कुछ बटन्स होते हैं, कुछ क्या, आमतौर पे किसी आम माउस में दो बटन्स होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी बटन और सेकेंडरी बटन्स के नाम से जानते हैं, और इन्हीं बटन्स का इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करने का काम करते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा और दिखाना चाहेंगे आपको, हम आपको अलग अलग कुछ माउस को दिखाते हैं कैसे होते हैं माउस। देखिए, एक समय पहले, मतलब पहले के जमाने में कुछ इस तरीके के माउस आया करते थे हमारे पास, सॉरी, माउस, देखिए पहले के समय में इस तरीके के माउस आया करते थे ये। अब माउस में देख रहे हैं, एक बटन हुआ हमारा प्राइमरी, और दूसरा हुआ सेकेंडरी, जिसे हम लेफ्ट और राइट बटन के नाम से भी जानते हैं, लेफ्ट और राइट बटन, प्राइमरी या इसे हम लेफ्ट बटन कहते हैं, सेकेंडरी या इसे हम राइट बटन कहते हैं। और माउस में मौजूद इन्हीं दो बटनों की सहायता से हम अपने सिस्टम में किसी भी काम को कंप्लीट कर पाते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। आज के डेट में इन दोनों बटनों के बीच बीच, यानी यहाँ पर ये पहले का माउस आप देख रहे हैं, लेकिन ये उसके बाद का माउस देखिए, दोनों बटनों के बीच एक व्हील यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जिसे हम कहते हैं स्क्रॉल। इससे क्या होता है नहीं होता है बाद की बात है, ये लेफ्ट बटन या ये राइट बटन या ये स्क्रॉल से क्या होगा वो हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल जब इंट्रो की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम इन दोनों के बीच में एक व्हील पा रहे हैं जिसे हम स्क्रॉल कहते हैं। और ऐसा कोई माउस जिसमें इस तरीके का व्हील हुआ करता है, वैसे माउस को स्क्रॉल माउस के नाम से जानते हैं, स्क्रॉल माउस। और ये जिस समय ये इस तरीके के माउस आते थे, माउस को अगर हम पीछे की ओर से देखें, मतलब उल्टा करके देखें, तो पीछे इस तरीके का एक बॉल इसमें हुआ करता था और इसी के मदद से हमारा पॉइंटर आसानी तरीके से मूव करता था। हम अगर अब की बात करें तो ये हमारे कुछ आज के माउस हैं जिसमें आप देख रहे हैं, ये हमारा हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, और ये बीच में हो गया स्क्रॉल। लेकिन आजकल के जो माउस होते हैं उसमें पीछे की ओर एक लेज़र होता है, एक लाइट होता है, हम अगर इसमें देखें तो यहाँ पर एक लाइट है, देखिए। और ऐसा कोई माउस जिसमें पीछे की ओर में बॉल ना हो, एक गोली ना हो, वहाँ पे अब लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, हम इसे ऑप्टिकल माउस कहते हैं, ऑप्टिकल माउस। हमने अभी भी बताया कि माउस में आमतौर पे दो बटन होते हैं,
लेकिन अब एक और चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए माउस में इन दो बटन्स के अलावे, स्क्रॉल के अलावे, अगर आप यहाँ गौर से देखें इस माउस में, देखिए यहाँ बटन है, यहाँ बटन है, यहाँ बटन है, यहाँ पे सेंसर्स है, यहाँ पे भी बटन्स हैं अगर आप देखें तो। और ऐसा बहुत सारा माउस आता है जिसमें आज के डेट में 10-10 बटन्स तक मिल जाएंगे माउस में ही आपको, और इसके अलावा कुछ सेंसर्स भी मिल जाएंगे। तो फिर ये इतने सारे बटन्स, हाँ, ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इतने सारे बटन्स के भी इस्तेमाल होते हैं। स्पेशली इस तरीके के माउस को हम लोग मल्टीमीडिया माउस के नाम से जानते हैं, मल्टीमीडिया माउस। और ऐसे माउस का इस्तेमाल गेम वगैरह खेलने के लिए, जो लोग गेमर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के माउस का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर होता है। हाँ, ये महंगा, बेशक बहुत महंगा माउस होता है ये। इस तरीके का माउस अगर हम कहें तो एक आम माउस जहाँ पे आपको ये 300 से 400 में मिल पाता है, इस तरीके का माउस वहाँ पे ये आपको 4,000 से लेकर के 10,000 15,000 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। इनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है, लेकिन इसमें बटन्स भी बहुत अधिक होते हैं। इनको कॉन्फ़िगर किया जाता है अलग अलग गेम में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए। हम कुछ और माउस आपको दिखा देते हैं कि और भी कुछ माउस देखिए आप यहाँ। ये एक सिंपल माउस है, स्क्रॉल माउस कह सकते हैं। ये ऑप्टिकल माउस है तो इसको स्क्रॉल माउस, स्क्रॉल तो है ही, इसमें भी ऑप्टिकल हमने क्यों कहा, क्योंकि इसमें पीछे नीचे लेजर लगा हुआ होगा, ये लेजर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। ये भी देखिए, ये एक मल्टीमीडिया वायरलेस माउस है, मल्टीमीडिया वायरलेस माउस है। वायरलेस क्यों, क्योंकि इसमें वायर नहीं लगा हुआ है। और मल्टीमीडिया क्यों, क्योंकि इसमें इस तरफ दो बटन्स हैं, जाहिर सी बात है कि राइट साइड में भी दो बटन्स होंगे, ये लेफ्ट साइड हुआ माउस का। हाँ, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी का आता है। ये भी देखिए, एक अलग ही किस्म का माउस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देखिए मल्टीमीडिया माउस आपको एक से एक बेहतरीन डिज़ाइन में विथ RGB भी मिलेंगे। हम एक चीज़ जिसको अभी हम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किए आप लोगों को, हम बताना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आज के डेट में हैं, बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे मदरबोर्ड, उसके पहले तो आ जाइए CPU, कैबिनेट, रैम, GPU, CPU को ठंडा करने वाला कूलर, फैन, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और भी बहुत कुछ। हम वो कॉमन नाम लिए हैं जिसके बारे में या तो आप अभी तक पढ़ चुके हैं या हम कुछ दिनों बाद इस पे डिस्कशन भी करेंगे। तो ये सारे डिवाइसेस आज के डेट में क्या है ना कि RGB टाइप के आने लग गए हैं। RGB मींस देखिए, ये RGB, आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। आप जैसे कि देख सकते हैं ये पेन का कलर क्या हो गया, बड़ा ही सतरंगी कलर हो गया ये। तो ऐसा कलरफुल एकदम डिवाइस में इस तरीके के लाइटिंग सिस्टम्स लगे हुए होंगे। CPU कैबिनेट में अलग लाइट होगा, मदरबोर्ड में भी लाइट्स हो सकते हैं, रैम में भी, GPU में भी, कूलर्स में भी, फैन में भी, कीबोर्ड में भी, माउस में भी, मॉनिटर में भी, सब में इस तरीके के माउस आ गए हैं। तो हम ऐसे ही एक माउस को यहाँ देख रहे थे जहाँ से हमको लगा कि ये भी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए RGB लाइटिंग्स के साथ ये सब माउस महंगा होता है आम कीबोर्ड, आम माउस की अपेक्षा। जिसमें RGB फंक्शंस हो वो महंगा होता है, इसमें RGB नहीं है। लेकिन मल्टीमीडिया में भी देखिए कितने बटन्स हैं, 9 बटन्स आपको एक साइड मिल रहे हैं। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, मतलब 11 बटन्स तो आपको देखने को मिल गए, प्लस 2 बटन्स। ये कॉमन, 2 बटन कॉमन होना ज़रूरी है, एक स्क्रॉल होना ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा भी आपको और भी कई सारी चीज़ें। इस माउस को हम देख लें तो देखिए RGB के साथ साथ मल्टीमीडिया बटन्स भी हैं। ये यहाँ लाइट हमेशा जलते रहेगा एनी टाइम। ये देखिए RGB के साथ है ये माउस, काफी सारे बटन्स के साथ। तो ऐसे माउस बहुत सारे आज के डेट में हैं। हम इसी प्रकार से अगर कीबोर्ड भी देख रहे थे जिस वक्त,
पिछले क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा, कीबोर्ड या फिर जो भी, एक बार गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा चीज़। हमने जो जो नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हम बात कर रहे हैं इसकी, ये सारे डिवाइसेस आपको RGB फॉर्मेट में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल माउस के बारे में हमने क्या बताया, तो माउस एक वैसा इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप के सॉफ्टवेयर में काम करने का काम ही काम करते हैं। एक माउस को जब हम अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, सीपीयू के कौन से पोर्ट से, तो वही पोर्ट हम अभी कीबोर्ड वाले में समझाए थे, PCIe 2 या USB पोर्ट, हम इसी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। और जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक तीर का निशान, मतलब एक इस तरीके से एरो सिंबल हमारे स्क्रीन पे अपीयर होता है, जिसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं। एक चीज़ में अक्सर आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर करने वाली बात है, और कंफ्यूज कभी मत होइए ऐसी चीज़ों को लेकर के। अक्सर जो गलतियां हम लोगों में नोटिस किया करते हैं ना, कि वो हर जगह एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कर्सर। कर्सर मतलब कुछ लोग तो ऐसा कहेंगे, अपने कर्सर को स्टार्ट मेनू पे ले जाइए, मतलब इस तरीके से, तो ये कर्सर नहीं भाई। यहाँ ध्यान से समझिए कि माउस जो चीज़ माउस को रिप्रेजेंट करे, उसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर, माउस पॉइंटर जो कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। कीबोर्ड को क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक इस तरीके का लाइन, एक ब्लिंकिंग लाइन, आप नोटिस करिए यहाँ टी टी के जस्ट बगल में जो लिखा हुआ है ना, टाइप हेयर टू सर्च, तो इसमें टी के बगल में एक लाइन है, तो ये कर्सर हो गया हमारा। तो कीबोर्ड जिस चीज को रिप्रेजेंट करे, उसे हम कहते हैं कर्सर। वो ब्लिंकिंग लाइन हमारे कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे, ब्लिंकिंग लाइन। अब ब्लिंकिंग लाइन मतलब कुछ ऐसा, तो ये हुआ हमारा कर्सर। और ये हमारा जो तीर का निशान होता है, ये हुआ हमारा माउस पॉइंटर। दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों को आप अलग अलग नाम ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, ये नहीं कि कर्सर को भी हम माउस पॉइंटर पॉइंटर कह रहे हैं और पॉइंटर को हम कर्सर कह रहे हैं, बिल्कुल गलत होगा ये कहना। हाँ, तो जब हम अपने माउस को अपने सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, हमारे स्क्रीन पे एक तीर का निशान आता है, जिसे हम माउस पॉइंटर के नाम से जानते हैं, और इसी माउस पॉइंटर की मदद से हम सिस्टम में किसी भी डेटा को, सॉरी किसी भी इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करने का काम करते हैं। इसके लिए हम अपने माउस में जनरली दो बटन्स पाते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी होता है, और इन्हीं बटन्स का इस्तेमाल करके हम सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस डालते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो, तो बेशक आप कमेंट सेक्शंस में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएँ। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं, तो फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे, IGTV पे देख रहे हैं, तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से, हमारा इंस्टा है जिसका इंस्टा आईडी हमने यहाँ पे आपको दिखाया, हमारा ब्लॉगर है, आप चाहें तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब, सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए, और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है, जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।